अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां कोर्ट के शिकंजे से बचने में नाकाम रही। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा मामला है जिसमें अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां दोनों को ही कोर्ट से राहत नहीं मिल रही। तो आपको बता दें कि 15 साल पहले अभिनेत्री और उनकी मां पर रंगदारी का आरोप लगाया गया था। दरअसल सूरत के प्रफुल्ल साड़ी के मालिक ने मां बेटी पर 15 साल पहले रंगदारी का आरोप लगाया था और आज भी इस 15 साल पुराने मामले में शिल्पा शेट्टी और उनकी मां कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। हाल ही में जब दोनों ने कोर्ट से आरोपों से बरी करने की मांग की तो कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और 30 सितंबर को चार्ज फ्रेम की कार्रवाई के लिए कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि प्रफुल्ल साड़ी के संचालक ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ साड़ी के विज्ञापन के लिए करार किया था। प्रफुल्ल साड़ी के संचालक के मुताबिक पेमेंट चुका दिए जाने के बावजूद शिल्पा की मां सुनंदा शेट्टी और पिता सुरेंद्र शेट्टी ने रुपए वसूलने के लिए गैंगस्टर फजलू रहमान से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी देने का फोन करवाया। इस मामले में सुनंदा शेट्टी ने सूरत कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर कर उसे आरोपों से बरी करने की मांग की थी। याचिका रद्द करते हुए सूरत कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर को चार्ज फ्रेम की कार्रवाई के लिए उसे कोर्ट के समक्ष हाजिर होने के आदेश दिए हैं।